श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। प्रभु श्री रामचंद्रंकर कृपा भिक्षा करि मो माधमिता आपण समस्तंकु सहृदय स्वागत जनाउछि। आपण मानक सामने रे म परिवेषण करिया पय जाउछि मोर धारावाहिक आलेख्य मधुरोक्तिर अष्टादश अध्याय। आसंतु शुणिबा मधुरोक्तिर अष्टादश अध्याय। मंदोदरी किंतु ठीक जानी थिले जे जदि रावण अमृतपान करी अमर हो जाए तेबे संसार भितर धर्म संपूर्ण नष्ट हो जिवो। तार अधर्मर वर्धित मात्रा विश्व विधाताको मध्ये चिंतारे पकाइ देबो। सृष्टिर नियम अनुसार एठी देवता मध्ये मरणशील होइथिया बेले एमिति एक नीति विरुद्ध कार्य करबाको तांकरी मनटा कदापि मानुनाथिला। केवल से ही कारण रु से विभीषण साहाज्य कामना करथिले। आ विभीषण निज माता को बुझेदेले जे से निजर विद्या बल से अमृत कलश को रावणर शरीर में स्थापना करदे। कैके से जानते जे एही विद्या को केवल विभीषण ही जानते तेणु सी मध्यु सेपरी करने कहले। विभीषण चतुरतार सहित अमृत कलश को रावणर नाभि प्रदेश में लुचे रखिदे जहाँफल तार मृत्यु सेते समय जाए हेबनी जेते समय जाए से कलशटी नष्ट होना किंतु ता पूर्व तार मृत्यु होबना। धर्म रक्षापी कार्य मंददरी एवं विभीषण को श्रेष्ठता प्रदान करथिला। एही गुढ़ रहस्य को विभीषण तुमको जनईदेपर तुम्हें रावणर नाभि को लक्ष्य कर तीर मारी तार से अमृत भाण्ड को नष्ट कर फल रावणर अंत हो धर्म धारा पक्ष पुनः मुंड उठे ठिया हो पार्ला। केवल एत नुहे रावणर अंत समय जितेबले तार बुद्धि शुद्ध हो मुख्य आड़ को अग्रसर होता सेतेबेले तुम्हें ताठारु किछि राज्योपदेश मध्य ग्रहण करी ताको उपयुक्त सम्मान मध्य प्रदान करथिलो। तापरे जेतेबेले माता सीता को आने पर जीवा कहला सेतेबेले निज पिता को देथिबा वचनर धर्म रक्षा उद्देश्य रे तुम्हें नगर भितर को प्रवेश न करी निजर प्रमुख सेनागण को एथिपई पठाइथिलो। हेले माता सम्मुख को आसीबा क्षण तुम्हें जानि सारिथिलो सी देवी वेद मध्ये अटंती। छद्म बेशरे माता सीतांकर रूप नहीं रावणर अंतर कारण साजी निजर जन्म को सफल करने सहित से तुम पत्नी होवार सौभाग्य मध्ये लाभ करी निजर तपस्यार फल पाई किंतु से तो कथा समाप्त हो नाला। माता सीता पुनः फेरी पाइबापी तुमको एक भीषण अग्नि परीक्षार आयोजन करने को अग्नि परीक्षा जहा फल देवी वेदमती फेरी जाए माता पुनः आसीपारे किंतु दुनिया ये बुझला जे माता जेहेतु रावणर कुटिल परिधि भितर दीर्घ समय कटे तेणु तांको सतीत्व को प्रमाणित करने अग्नि परीक्षा को करा जायथिला। धर्म रक्षापी तुम एतादृश त्याग चीर काल अमर हो रही प्रभु। माता सीता अग्नि भितर शुद्ध कुंदन पर बाहरी आसले। माता सीता सिना अग्नि रे प्रवेश करी चली आसले हेले से ही अग्नि रो उत्ताप को तुम्हें सह्य करथिला। माता सिना निजर तेज बल रे झटकुथिले हेले तुम मुखमंडल आभा मलिन हो जाइथिला तांको एपरी कार्य करथिबार देखी तथापि सहिबा को होइथिला तुमको ए यंत्रणा। सेतेबेले को वनवासर 14 वर्ष से समयटा प्राय सरी आसला। भरतंकर संदेश अनुसार तुम्हार विलंब हेले सी आत्माहुति देते तेणु तुम्हें व्यस्त ब्रत होगा समय विभीषण तुमको पुष्पक विमान अयोध्या पहुँचवा को प्रस्ताव रखते। निजर वचन रक्षा कर तुम्हें विभीषण को लंकार राजा हिसाब से अभिषेक कराई अयोध्या जाए तुम फेरता जित्रे सांगे जीवा को चाहिले तुम्हें राज्यकार्य छाड़ आसवा को मना करी निजे निजर अन्य भक्त मान सहित अयोध्या को प्रत्यावर्तन कर।
पुराण कहे जे आसीबा समय रे तुम्हें माता अंजनी को देखा करथिलो से हनुमान क्षुब्ध हो जाइले कारण सी थाउ तुमको कहीं कष्ट लंका जाए एत जंत्रणा सहवाक होता सी बुझिपार नर पुत्र हो हनुमान किपर निज प्रभु को एत दिन धरी संघर्ष करवाटा देखी चुप रही पारे से निजर पुत्र क्रोधित होगा देखी तुम्हें बुझे कहीदी जे धर्म संस्थापना उद्देश्य तुम्हें जो नर रूप नहींच से यही प्रकार मानवीय लीला करवाटा तो सर्वाद आवश्यक ये कौन सी प्रकार परिवर्तन करहब ना आम कथा शुणी माता अंजनी शांत होते आपर से हनुमान को क्षमा कर दे। अयोध्या पाखे नंदीग्राम एक सुसज्जित चिता निकटने भरत ठिया होबार देखि तुम मन दुखरे भरी जाइला तुमको देखि जितेबले से खुशी से आत्महरा हो आसी तुम पाद तले लोटि जाइले तुम हृदय तांक भात्र प्रेम भरी आसला दुई भाई मिलनर मुख साक्षी थिला से संपूर्ण परिवेश माता माने निज बहुमान सहित तुम मानकर स्वागत पाई एकत्रित होइथिले निजर पुत्र आ पुत्रवधु मानंको कोलाग्रत करथिले आ अयोध्यार प्रजा माने निजर राजा राणी को पाछोटी नेइथिले तांकर भव्य महल पर्यंत इत्ती वर्ष परे अयोध्यारे प्रकृत अर्थरे आलोक फेरी आसला तुम्हें जीवा परठारु सेठरे मनर अंधकार वास्तविक अंधकार रे परिवर्तित होई संपूर्ण परिवेश को आच्छादित कर रखिता किंतु तुम्हें फेरी आसवा पर अयोध्यावासी पूरा नगर को दीप लगे सजाई देते रात्रि अंधकार सूर्यालोक परी उज्जवल परिवेश हो जाता कह जाए से ही दिन दीपावली अमावास्या आईदिन ठारु अधर्म उपरे धर्मर विजय हला एवं अंधार उपरे आलोकर विजय प्राप्ति हेबार दीपावली व दीपोत्सव पालन करागला। अयोध्यार रिक्त राजसिंहासन अभिषिक्त हो तुम्हें प्रजापालक न्यायमूर्ति सत्यसंध महाराज हो रघुवंशर सर्वोत्तम दयाद रूपे निजर अम्लान कीर्ति प्रतिष्ठा करथिल इत्ते वर्ष पर अयोध्या राजा महल रे माता सीता एवं तांका भौनी मानकर हस कौतुक तथा चुड़ी पाउंजीर रुंझुण शब्द गुंजरी उठिला जो राजप्रसाद एक भयानक शून्यता भितर अंधार निशब्द रजनी काटुला से ही प्रसाद एवं राजा राजकुमार तथा अन्य पारिषद वर्गों द्वारा कोलाहलमय हो उठिला लिभि जाइथिबा हस पुणी थरे तार रास्ता खोजी पाइला प्रत्येक इच्छा आउ सामर्थ्य मुताबक तुम्हें समस्त को सब कार्य बांटिदेवापर हनुमान को देखि कहल जे देवाई तो तुम पाखे आउ कौन कार्य बकैया ना भक्तर परीक्षा नेबापी तुम ये मधुर वाक्य शुणी चतुर हनुमान कहते जे सी तुम आलस्य तंद्रा समय रे हाई आसिले चुटकी मरा कार्यटे चाहते से कम क्या दि जाए ना कहिबा बाहुल्य से ही समय ठार हनुमान प्रति मुहूर्त तुम मुख को अपलक नयन अने बसबार सौभाग्य को अचीरे हाते नेले धन्य तुम्हें प्रभु धन्य तुम भक्त हनुमान प्रभु भक्ति संपर्क आहुरी अनेक कथा सुना जाए जेपरिकी माता सीता थरे एक दिव्य रत्नधारी माला हनुमान को देवारु सीता को कामुड़ी कामुड़ी भांगी पकई देउथिबा देखि मन दुखरे माता यार कारण पचारि बसथिले उत्तर रे हनुमान कहिथिले ए सबु रत्न किपरि मूल्यवान होई परिबो जोंथिरे राम नाम ही अंकित नाही तार भला किपरि किछि मूल्य रही परिबो ए कथा शुणी माता पचारि देथिले तेतेबे हनुमान देहरे जेहेतु राम नाम अंकित होइनी कौन ताल ही ना से बड़े अल्प हसी वीर हनुमान छाती चिरी देखते सेठे सीतारामा झुकल मूर्ति स्पष्ट देखा जाता आखि माता सीता बहुत प्रसन्न हो जाते हनुमान को अनेक स्नेह आशीर्वाद सतरे प्रभु तुम नाम जो पदार्थर नहीं ता प्रकृत मूल्यहीन आत्माराम बिना शरीर अस्तित्व कौन बहे पारे
प्रत्येक जीव केवल तुमरी अंश विशेष तुम सत्ता बिना आ कहारी कि अस्तित्व थाई परे प्रभु। अन्य एक उपाख्यान कहे जे थरे माता सीता सिंथिरे सिंदूर लगेबा समय रे हनुमान एहार आवश्यकता विषय पचारिदेवर से बुझे कहते जे तुमर मंगल पाई से सिंदूर लगाउछन्ते। ता पर मुहूर्त देखा मिलला जे हनुमान निजर सर्वांगरे सिंदूर बोली होई चलचन्ते। पचारिबारु से बुझे देले जे जदि चुटकीय सिंदूर प्रभुंकर मंगल करिपारे तेबे एते सिंदूर निश्चय प्रभुंक आहुरी मंगल करदेपारिब। हनुमानंकर एही सिंदूर बोला अवतार जगत पूज्य होई रहिछि आउ एही वार्ता देउछि जे प्रभुंक पई भक्ति करिबारे कौनसी नियम नाही। मन दे तुमको निजस्व समर्पि देले तुम्हें सब समर्पण ग्रहण कर था। प्रभु श्री रामचंद्रंकर चरित्र वर्णनार एही अध्यायटी एही ठारे समाप्त होई छी। बंधु माने अध्यायटी आपण मानको केमिति लागिला मतामत दे निश्चय जणाइबे। तेबे आसंता अध्यायरे पुणी थारे प्रभुंकर चरित्र वर्णना नै आसिबा पई बर्तमान विदाय दियंतु। जय श्री राम।